दादा राज एक इलाज मेरे फोन से भी ले लेना यार, बट बात समझ बराबर एक एक चीज का हां दादा सबसे बेस्ट है आज सभी का रिकॉर्ड सो आई अरे थैंक यू यार जिसने भी सजाया है, थैंक यू सो मच भाई। रात के 12:00 तक स्क्रिप्ट अप्रूव कराया, 2 घंटे के पहुंचे, सवेरे पहुंचे कीर्ति ने मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं भेजी थी और मैं सवेरे टू पीपल के बारे में रात के 2 बजे तक जागा था, सिर्फ 2:30 7 o'clock शिफ्ट की, जब तक भावना बिचारी रात तक नहीं भेजे सब कुछ करा, मैं रोबी को सवेरे वैसे ड्राइव करते हुए आ रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग नींद खुली नहीं सोए नहीं, वो ऐसा करेंगे वो जो ऐसा करके ना वो ऐसा करेंगे वो ऐसे करी करी इससे आधा घंटा सुना बाद में मैसेज करता है ये कहाँ पे है, उसी वक्त बोल देता है यार तुमने पूरा सुनाने के बाद, फिर जब सेट पे पड़े तो वो दोनों बैठे हुए थे ऐसे यार कौन है नाम क्या तुम्हारा छोटी अनु किधर है नितेश इधर है ना, उसके बिना काटा तो रोएंगे भीम इधर आ, अरे तुम लोग एक अरे वो मेरे नहीं हो क्या राज अस्क्रैच अस्मी कार्ड बना के लाइए अपने हाथ से, अस्मी अपनी छोटी कल बनती है सबको वो कार्ड्स बना के लेकर आ रहा है, मुझे भी कार्ड दो उनको भी दिया सबको, चलो ना भाई एसी है क्या इधर, चलवा भी दो बाकी नहीं आज बाकी है उसे भी नहीं पाकी यार तो मैं थोड़ी लंबी मेरे सामने पूछ रहे हैं एसी है प्लीज दे दे प्लीज चलो जल्दी चलो सर बरका जी अरे अरे ऐसे करो ना राज भाई बरका जी को अंदर उस तरफ जाने आगे बढ़ उस साइड ले लो उस साइड ना थोड़ा अंदर थोड़ा ऐसे ऐसा पीछे हो जा थोड़ा यू वांट चेयर पाटला रेडी सर ऑर्डर एक्शन हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे भगवान करे जो अनु को 45 करोड़ का लॉस हुआ है वो मैं कवर कर लूं, शाज ने आज शाज खाली आज बाप हो गया बस बात सब पे थैंक यू अरे बहुत चेरी हो गई थोड़ा सा राज भाई पीछे हो जाओ एक फोटो ले लो एक सेकंड हाथ बोलो एक
एक सेकंड हाँ सर सर एक रुक जाओ भाई सर हम बोला आ जाओ सर एक भाई मेरे को मिल रहे ना पूरा ग्रुप कहाँ मिल रहा है सर अंदर उधर आएगा ना अंदर आ जाने नीचे बैठो भाई डू यू मेक थिंग्स चैलेंजिंग फॉर शांताराम वैसे लाइक शांताराम लॉक खुलते रहते सामने आ रहे दो तीन लोग ऐसे यार ओके थैंक यू सर एक सर के साथ पिक्चर हाँ एक बोल रहा है थोड़ा पिक्चर हाँ थैंक यू शांता चलो कम गौरव विशिंग वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फॉर ऑल ऑफ अस प्रेजेंट हियर एंड मे दिस ईयर द डे ब्रिंग यू लॉट ऑफ लक हैप्पीनेस गुड हेल्थ पीस प्रॉस्पेरिटी टीआरपीस एंड ऑलवेज बी हैप्पी यू आर अ ग्रेट पर्सन एंड फ्रॉम द टाइम यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड ऑफ आवर फैमिली द शो And not only the show, everybody is enriched and we have seen the best of phases in you. So be this hard-working person, heads on shoulders and take this journey ahead. Thank you. And hope, and what about I? Because that television ka ek, like the biggest awards are there. So you all are nominated and I hope you all pray to God. Yeah, it's a very auspicious day. God of something happens and we all pray for that. And it's on a very auspicious day, so maybe all win. Thank you, and thank you so much for giving me Anuj. I think it's the best thing in my life. Thank you so much. Thudu. From all of us, come. Aye, baar. Baaki kya hai? Aajo. Tum log upar se aise. Aye. Clap karo, clap. सर थोड़ा नीचे हाँ सर हाँ बस बस ओके थैंक यू कम लेट्स ऑल हैव अ ग्रुप ग्रुप से आ जा गौरव कब बड़े हैं सर के हाथ लंबे हैं कम छोटी अनु का बाबू जा हां हमने तो सेम पोज है सर वाइड भी कर लो वाइड नहीं नहीं आप वो बटन है बीच में वाइट का ये अच्छा वाइट ही सब है सब है आपने सुना कार्ड बनाया हाँ बहुत ही प्यारा कार्ड बना दिया को और कल बना दी जीतू ने मुझे आके बताना चाहा तो इसने कहा जीतू मैं आपको कभी बात नहीं करता मुझे नहीं मेरे बर्थडे पे भी आपने कार्ड नहीं दिया और दिसंबर को था हम वापस केक काटेंगे फिर आप काट देना चलो गाइस अभी लंच यू टेक इट फॉर साजी बर्थडे रुपाली एक फोटो और सर सब साजी बर्थडे रुपाली जी खातिम पीछे विशाल पीछे हटो ना बहुत बढ़िया यार भी फोटो नहीं अदृश्य है वो एक सैम की और गौरव और रूपाली की थी बहुत कम चाहे तो ये भी ना कर पाए जकड़ के
आदमी अब आया यार। अरे मैं यही था, मैं अभी मैं यही था पीछे, सब चिल्लाए विल्लाए ऐसे। आप खुले वालों में ज्यादा अच्छी लग रही है, अच्छी ज्यादा। ये सब ये ले लो ले लो। He wants to take the bike। हाँ हाँ, आइए सर, आइए सर। गौरव जी, पहले तो सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। काफी अमेजिंग किरदार है आपका। सॉरी, फिर से रिपीट करना, तुम इधर आ जाओ। सर आप बीच में रहो, सर सर यू सिट, आप बीच में ही रहो। नहीं नहीं सर, काट देते। नहीं कोई नहीं काटेगा सर, आप बैठो सर। एक मिनट सर, अभी अभी नहीं काटेंगे। नहीं नहीं नहीं, मजाक है। आई नो। एक और बात, फर्स्टली गौरव जी हैप्पी बर्थडे। व्हाट डू वांट टू से, आज का दिन किस तरह से बीत रहा है आपका? थैंक यू सो मच फॉर द लवली विशेज एंड बहुत ही अच्छा दिन। आई ऑलवेज लव वर्किंग ऑन माई बर्थडेज बिकॉज ये एक हिंट होता है कि आगे कारवां ऐसे ही रहेगा। सो बाई गॉड्स ग्रेस एंड माई प्रोड्यूसर ऑन माई साइड, आई फील रियली ब्लेस्ड एंड हैप्पी। एंड माई लवली को एक्टर देयर, इन दोनों की वजह से आज आप लोग अनुज को इतना पसंद कराए और अनुज के थ्रू आप लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे पसंद किया है। सो ऑल थैंक्स टू देम। विशेज गुड लक है एंड टू अ ग्रेट ह्यूमन बींग, अ ग्रेट एक्टर। और आज जो एक जेस्चर गौरव ने किया है कि सारी यूनिट के लिए एक फीस्ट है, खाने के पूरा एक बाहर एक यू नो एक क्या बोलते हैं, एक लैविश स्प्रेड है खाने का, तो ये जेस्चर बहुत खूबसूरत है कि अपने जन्मदिन में यूनिट के साथ सेलिब्रेट करना, काम करना, विच आई कंसिडर ऑलवेज वेरी लकी। एंड हमारी एसोसिएशन बहुत सालों की है, जहाँ पर आई थिंक थ्रू आउट सो मेनी ईयर्स हमेशा साथ के टच में थे कि कुछ अच्छा काम करेंगे, बट ऊपर वाले की यू नो एक टाइमिंग होती है। और एक सबसे चहेते शो अनुपमा, जो एक ट्रेंड सेटर शो है टेलीविजन का, मेरी बात मुझे याद है जब गौरव से पहली बार बात हुई तो मैं इंडिया में नहीं था, मैं सर्बिया में था। और सर्बिया से मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी न्यूयॉर्क, वो 20 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन में हम दोनों की बात हुई, कैरेक्टर समझाया, इनका कन्फर्मेशन आ गया, बाकी सारी निटिग्रिटीज़ जो 6-7 मीटिंग्स में होती हैं, वाइल चेकिंग फ्रॉम सर्बिया टू चेकिंग इन टू द फ्लाइट फॉर न्यूयॉर्क, वो 20 मिनट्स में हुआ। वो कुछ शूट कर रहे थे उस वक्त, कुछ सीरीज शूट कर रहे थे, आई रिमेंबर, वो भी इन बिटवीन शॉट थे। तो आई थिंक ये एक एक सर्टन डेस्टिनी होती है, कर्मा होता है, कि कभी हम चाहते हुए भी काम नहीं कर पाते और कभी ऐसे हमको तारे जुड़ जाती हैं कुछ अच्छे लोगों के साथ, कुछ अच्छे कलाकारों के साथ। सो वो एक जोड़ा, और फिर जब अनुपमा में अनुज आए, गौरव आए, तो उसके बाद जो शो की एक और डायमेंशन आई और एक ब्यूटीफुल जोड़ी का जो एक यू नो स्टार्ट हुआ। सो आई थिंक जो गौरव आए जिस टाइम शो पे और अब आज उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि वो जो ह्यूमिलिटी, हार्डवर्क, सिंसेरिटी, फोकस से जो काम करता है एक एक्टर, वो मैंने इन पे देखा। आई थिंक द बेस्ट रेंज एंड बिलीफ, बिलीव इन द राइटर्स, बिलीव इन द प्रोड्यूसर, बिलीव इन द मेकर्स, बिलीव इन द टीम, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड वेन एन एक्टर थिंग्स, विच आई थिंक इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ गौरव, जब वो अपने आप को ही इज़ रेडी टू बी मोल्डेड इन एनी थिंग, देन हम उस फ्रीडम के साथ उस कैरेक्टर के साथ काम करते हैं, और बियॉन्ड 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 एक्सपेक्टेशन उन्होंने वो किरदार निभाया है। एंड आई थिंक नॉट ओनली इंडिया, सारे विश्व में ही इज़ मेड अनुज सिनोनिमस विद होप, ऑप्टिमिज्म, एंड बहुत बहुत इनके फैंस हैं। फैंड मैं अभी नई बिल्डिंग में जहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे ग्रीट करने से पहले किसी ने मुझे, एक नेबर मिस्टर जैन है, तो उन्होंने बोला कि हमने सुना आप ये सीरियल बनाते हैं, कि हम क्या गौरव खन्ना से मिल सकते हैं? तो मैं कहाँ रहता हूँ, वो AGM की मीटिंग होती है ना विंडसर वाले में, तो आई फील सो गुड, आई फील सो प्राउड एंड विश हिम ऑल द हैप्पीनेस। थैंक यू। राजन जी ने जैसे कहा कि अनुपमा को एक नया डायमेंशन मिला अनुज के आने से, और अनुज कपाड़िया इज ऑफ कोर्स होप फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन, बट आल्सो ही इज अ ड्रीम, कि काफ़ी सारी औरतें ऐसा पति चाहती हैं, काफ़ी सारी रिश्ते ऐसे होने चाहिए,
मतलब एक बेंचमार्क जो था कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, हस्बैंड कैसा होना चाहिए, कोई आपसे प्यार करे तो वो कैसा प्यार होना चाहिए, वो सारी बेंचमार्क्स अनुज कपाड़िया ने सेट की, बेसिकली तो राजू ने सेट किया, बट एक्चुअली अनुज कपाड़िया की वजह से मुझे भी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड माय वाइफ आकांक्षा इज वेरी थैंकफुल टू सर. वो कहती है जो मैं नहीं सिखा पाई 5 साल में वो सर ने तुम्हें 1 साल में सिखा दिया है. एंड आई होप कि ये कारवां ऐसे ही चलता रहे एंड आप लोगों का प्यार बना रहे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड इन एवरी इंटरव्यू ऑफ माइन दैट राजन शाही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स आई एवर वर्क विद एंड आई एवर वांटेड टू वर्क विद. इनके शो में अगर ये मुझे टेबल भी बनने को कहते हैं तो मैं टेबल बन जाता. आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट फैक्ट. तो इसलिए जब सर कहते हैं कि ही डजंट आस्क मी क्वेश्चंस, ये वो, मैं कहा सर सवाल ही नहीं उठता, आपने काम दे दिया. कौन क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ये जो क्वेश्चन अगर आने भी हो तो भी इनके पास सारे आंसर्स एंड एवरीथिंग इज लॉजिकली सेट एंड एवरीथिंग डन, तो मतलब वो चांस ही नहीं. बट गौरव आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. सो वन पर्सन हु इज फॉरएवर ही इज कंप्लीटली मैड, मतलब नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. शॉर्ट चालू है, मैं रो रही, वहाँ से कुछ ना कुछ कमेंट्री चलती रहेगी. आज जैसे हमारा सीन था, वो यहाँ नीचे से मुझे पैर मारा है. उनकी लाइन आ रही थी तो वो नहीं बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि सीन कट करने से अच्छा है कि मैं उनको पोक कर रहा था कि लाइन बोलो अपनी. बोलो 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 ऐसे चालू हो जाता है. तो इट्स लाइक इट्स नॉन स्टॉप वर्किंग विथ हिम इज एंटरटेनमेंट नॉन स्टॉप. तो आई एम ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विथ यू and having you as Anuj Kapadia. Thank you Rajan ji for bringing him in. Thank you sir. यहाँ पर comedy show चलता रहता है full time. यही humility, hard work and I say security is the biggest enemy of man. Correct. So Gaurav में जो एक passion देखते ना सुबह उठ के, सर ऐसा हो कैसा करेंगे वो करेंगे, वो humility और hard work रहे and we go to greater. And sir lastly, आज शाम Indian Television Award की शाम है, जो इंडियन टेलीविजन में सबसे बड़ा अवार्ड शो होता है. आई होप आप लोग सब अवार्ड लेके जाओ जिस तरह लास्ट ईयर. आज हम सारा पूरा जिम्मेदारी इन पे डाले, इनका जन्मदिन है तो इनका लक हमें ट्रांसलेट हो, गौरव का होपफुली मिले, बट वी विल गो देयर एज अ टीम. वी विल अपलोड एवरी शो ऑफ टेलीविजन. एक सारे टेलीविजन वहाँ पर इंडस्ट्री के यू नो दिग्गज लोग आएंगे, नॉमिनेशन होंगे एंड वी प्ले अ स्मॉल पार्ट इन इट एंड वी विल बी पार्ट ऑफ इट एंड प्रे सबका भला हो, हमारा ज्यादा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. आप लोग कुछ फोटो वोटो लेने तो ले लीजिए. हाँ प्लीज आप लोग भी सब खाना खा के जाइए. आइए आइए.